बघेल ने आम बजट को केवल जुमलेबाजी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए बजट में कुछ विशेष नहीं है। कुल मिलाकर कहा जाए तो बजट निराशाजनक है। ये जो बजट है बहुत ही निराशाजनक है। पहली बात तो यह है कि पेट्रोल डीजल के भाव में 1 रुपया की वृद्धि की गई, इससे महंगाई बढ़ना है। दूसरा, मध्यम वर्ग के लिए आयकर में कोई राहत नहीं दी गई है। बेरोजगारी देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कैसे होंगे, इस बजट में कोई संकेत नहीं दिया गया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के